Hello everyone, welcome back to my channel Makeup of Arushka. I hope you all are doing well. Today I'm going to create a new makeup look जिसमें हम अपने face पे करने वाले contouring, contour से अपने face को features को करेंगे enhance. तो let's get started. तो सबसे पहले मैंने अपने face पे लगाया है primer. तो primer apply करने के बाद मैं अपने face पे लगाऊंगी moisturizer. तो आपने अपने face पे moisturizer लगाना, अगर आप लोगों की skin excessive dry है तो आपको अच्छे से moisturizer अपने face पे लगाना है और massage करनी है. अगर आप लोगों की skin oily है तो आप only primer भी use कर सकते हैं. मेरी skin जो की है combination, तो I will prefer both मेथड्स. तो इसके बाद मैंने अपने फेस पे दोनों प्रोडक्ट को अच्छे से अप्लाई करी है, जो हमारा मेन स्टेप है जिस पे मैं अपने फुल फेस पे कंटूरिंग करने वाली हूँ. तो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से मैं अपने फेस के फीचर्स को एनहांस कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ कंटूर स्टिक. तो इसी तरीके से मैंने अपने फुल फेस पे अपनी जॉ लाइन और चीक बोन्स पर अच्छे से कंटूरिंग कर लिया. इसके बाद मैं अपने अपर लिप्स और लिप्स पर भी कंटूरिंग करूँगी. हमारी कॉन्टोरिंग हो चुकी है डन. तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है कंसीलिंग. तो मैं एक कंसीलर को लूँगी, अपनी लोअर आईलिड पे अप्लाई करूँगी. इससे मैं जो भी मेरे प्रॉब्लमेटिक्स एरिया है मैं उन पे कंसील करने वाली हूँ. इससे कंसील करने के बाद हमें इसको एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर देंगे. तो ब्लेंडिंग करनी है आपको अच्छे से टैप टैप करके. तो आपकी जब भी ब्लेंडिंग डन हो जाएगी उसके बाद आपने कोई भी फाउंडेशन बीबी सीसी क्रीम कुछ नहीं अप्लाई करना, आपने जस्ट कॉम्पैक्ट अप्लाई करना है. इसको मैं दिखा देती हूँ आप किस तरीके से अप्लाई करोगे. आपको ब्लेंड करना है, ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड. तो ब्लेंडिंग में हमारा थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होता है जब इतना सारा प्रोडक्ट आप अपने फेस पे लगाते हो. तो इसकी ब्लेंडिंग हो गई है डन. तो मैं इतने कॉम्पैक्ट लिया, इसको मैं अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ. जो भी मेरे क्रीमी प्रोडक्ट्स हैं सभी को मैं सेट कर रही हूँ. इससे जो कि हमारा समर होता है, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं, इसलिए तो कॉम्पैक्ट लगाना ज़रूरी है. इसके बाद मैं अपनी आईब्रो को कर रही हूँ शेप. तो मैंने अपनी आईब्रो को फिल करना कर दिया है स्टार्ट. दोनों आईब्रो को फिल करने के बाद आप लोग देख सकते हैं डिफरेंस हमारे फेस पे कितने अच्छा आ गया है. तो इसके बाद मैं अपने लिप्स पे लगाने वाली हूँ रेड कलर की लिपस्टिक. तो जो मेरी लिपस्टिक है मैं टू शेड्स का मिक्स करूँगी, रेड एंड ब्राउन शेड, डार्क ब्राउन. तो इससे जो भी आपके लिपस्टिक का शेड है वो डिफरेंट कलर का आएगा जब भी, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं एक ही तरह की लिपस्टिक लगाकर बोर हो जाती हूँ. तो मैं अपने लिपस्टिक के शेड्स को मिक्स करती रहती हूँ. इससे आपको एक न्यू कलर मिल जाता है लिप कलर. तो इसको अप्लाई कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं ये मिस क्लेयर का ब्राउन लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ मैं. इसको अप्लाई करने के बाद अच्छे से ब्लेंड कर देंगे. इसके बाद मैंने अप्लाई किया है पीच शेड का ब्लशर अपनी चीक्स पे. तो आपने ब्लशर बहुत लाइट नेचुरल सा रखना है. ब्लशर को अप्लाई करने के बाद मैंने लिया हाइलाइटर. हाइलाइटर से हमारे थोड़े बहुत फीचर्स को करेंगे इन्हांस. तो इसको आप लोग देख सकते हैं मैंने फ्रंट आईलिड पे अप्लाई किया है, नोज़ पे और चीक बोन्स पर. उसके बाद हम अपने अपर लिप्स और चिन पे भी इसको अप्लाई करेंगे. ब्राउ बोन पर भी आप लोगों को हाइलाइटर लगाना है. इससे आप जो देख सकते हैं कि आपका जो भी मेकअप है बहुत अच्छा ड्यूई सा लुक देगा. तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. सब्सक्राइब फॉर मोर.